नमस्कार दोस्तों, वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि कई लोग आपने देखे होंगे जो कि गोल्ड मैन होते हैं, यानी बहुत सारा सोना पहनकर घूमते हैं, तो उनकी कुंडली में ऐसा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो गोल्ड होता है वो दो जनों का धातु होता है, एक तो होता है सूर्य का और एक दूसरा होता है गुरु का। ठीक है, ये दोनों का ये धातु होता है। जब इन दोनों के बीच में केतु आ जाता है तो उसे वो हाइट्स देता है। केतु हम जानते हैं हाइट्स के लिए जाना जाता है। तो जैसे कुंडलियाँ में गुरु केतु की युति हो, सूर्य केतु की युति हो, या सूर्य गुरु केतु की युति हो फर्स्ट हाउस में, या हम कह सकते हैं फोर्थ हाउस में या सेकंड हाउस में, तो ऐसे लोगों के पास आप कह सकते हैं गोल्ड बहुत ही अच्छा खासा होता है। ऐसे लोगों को गोल्ड पहनने का शौक होता है, गोल्ड का व्यापार करने में उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, और इन्वेस्ट ज़्यादातर लोग गोल्ड में ही करते हैं जिनकी ये सूर्य गुरु केतु या सूर्य केतु गुरु केतु की युति हो या सूर्य गुरु की युति हो। बात करते हैं यहाँ पे जो मेन एलिमेंट है या मेन ग्रह है वो ये है केतु। केतु यहाँ पे बहुत ही मेन एलिमेंट है ये सूर्य गुरु के उसमें, क्योंकि केतु ही हाइट्स का कारक होता है। जब भी गुरु के साथ केतु है या सूर्य के साथ केतु है तो ऐसे लोगों का धन अर्जित बहुत अच्छा खासा होता है, और ऐसे लोग ज़्यादातर गोल्ड में ही निवेश करते हैं। तो ये मैं आपके लिए नॉलेज वाली वीडियो लेकर आया, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और तभी हमारे चैनल में आप जल्द से जल्द अपना प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।